हेलो डियर स्टूडेंट, साक्षी केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी अभिक्रिया के बारे में जो अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर बार परीक्षा में पूछी जाती है। यूपी बोर्ड का एग्जाम हो चाहे वो आपका कंपटीशन लेवल का एग्जाम, हर बार ये अभिक्रिया पूछी जाती है। पिक्रिक अम्ल कैसे बनता है, पिक्रिक अम्ल कैसे बनता है, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाना। यूपी बोर्ड चाहे इस बार हो, आप उठा के देख लेना प्रीवियस ईयर के पेपर, और जो इस बार भी हमें लगता है कि जरूर आएगी ये अभिक्रिया पिक्रिक अम्ल। तो फिनॉल का सूत्र, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल कैसे बनता है, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। अब सबसे पहले हमें क्या पता रहना चाहिए, फिनॉल का सूत्र। तो फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH, तो ये होता है बेंजीन स्ट्रक्चर में फिनॉल का, ये हो गया आपका सूत्र। अगर फिनॉल की अभिक्रिया, यदि फिनॉल की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में करा दी जाए, अगर फिनॉल की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल और आपकी H2SO4 के प्रेजेंस में करा दी जाए तो आपका पिक्रिक अम्ल बनता है। फिनॉल है, OH लगा दीजिए, एक बार NO2 यहां पर लगा दीजिए और एक बार NO2 यहां पर लगा दीजिए, एक बार NO2 यहां पर लगा दीजिए, ये आपका क्या बना, पिक्रिक अम्ल। फिनॉल की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर आपका पिक्रिक अम्ल बन जाता है, TNT, पिक्रिक अम्ल।